नमस्कार दोस्तों मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर फोर है इस वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो इन सभी क्वेश्चन के माध्यम से आप सीपीसीटी एग्जाम के लिए और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है निम्न में से कौन एक फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है यह क्वेश्चन एसटीएमएल से पूछा गया है एस से एस मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एस के द्वारा वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं वेबसाइट का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वेब पेज वेब पेज को बनाने के लिए एस टी एम एल लैंग्वेज का यूज किया जाता है जब हम अपने वेब पेज में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए टेक्स्ट की साइज चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट टैग का यूज किया जाता है हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से फंट टैग का एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है जो फॉन्ट टैग है एस का एस के अंदर एक टैग होता है फॉन्ट टैग फॉन्ट टैग के साथ हम तीन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं तीन एक होता है फेस एट्रीब्यूट फेस एट्रीब्यूट से फॉन्ट को सेट किया जाता है फॉन्ट को जैसे कि एरियल फॉन्ट कृतिदेव फॉन्ट कुंडली फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन तो आपको अपने टेक्स्ट पर कौन सा फॉन्ट सेट करना है वह यूज करते हैं हम फेस एट्रीब्यूट में साइज एट्रीब्यूट भी होता है फॉन्ट टैग का साइज के द्वारा हम टेक्स्ट की साइज को सेट करते हैं और एक होता है कलर एट्रीब्यूट कलर के द्वारा टेक्स्ट का कलर सेट किया जाता है तो एस का जो फॉन्ट टैग होता है वह तीन एट्रीब्यूट की सर्विस प्रोवाइड करता है फेस जिससे फॉन्ट सेट किया जाता है साइज जिससे टेक्स्ट की साइज सेट की जाती है और कलर जिससे टेक्स्ट का कलर सेट किया जाता है बीजी कलर फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं होता है बीजी कलर तो बॉडी टैग के साथ यूज किया जाता है टेबल टैग के साथ यूज किया जाता है मार्क्यू टैग के साथ यूज किया जाता है और बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर यह फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं होता है एच में जो फॉन्ट टैग होता है उसके तीन एट्रीब्यूट होते हैं फेस साइज कलर तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टैग का बीजी कलर एट्रीब्यूट नहीं होता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जब हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है .pptx .pptx पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होती है एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड होती हैं हमसे पूछा गया है हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसको यदि हमें करंट स्लाइड से रन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे यहां पर आपको दो तीन क्वेश्चन तैयार करने हैं पहला जब हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना लेते हैं और प्रेजेंटेशन को यदि रन करना है प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने शो करना है तो उसके लिए स्लाइड शो का यूज किया जाता है स्लाइड शो स्लाइड शो ऑप्शन के द्वारा प्रेजेंटेशन को रन किया जाता है प्ले किया जाता है Slide show, मतलब प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए स्लाइड शो ऑप्शन का यूज किया जाता है यदि हमें प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से फर्स्ट स्लाइड से रन करना है तो शॉर्टकट की होती है एफ फाइव प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से स्टार्टिंग स्लाइड से रन करने के लिए एफ फाइव शॉर्टकट की का यूज किया जाता है लेकिन यदि आपने प्रेजेंटेशन की कोई एक स्लाइड सेलेक्ट करी है किसी स्लाइड पर आपका कर्जर है उसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन को यदि रन करना है तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस एफ फाइव प्लस एफ फाइव से प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करते हैं और F5 से प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग स्लाइड से रन करते हैं तो यहां पर हमने एक साथ तीन क्वेश्चन तैयार करे प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए स्लाइड शो so का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से रन करने के लिए F5 शॉर्टकट की होती है और प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का यूज किया जाता है इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर एक अलग से टैब होता है स्लाइड शो टैब स्लाइड शो जो कि प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए यूज किया जाता है यहां पर एक ऑप्शन होता है फ्रॉम बिगनिंग यदि आपको प्रेजेंटेशन को शुरुआत से रन करना है पहली स्लाइड से तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे इसकी शॉर्टकट की होती है एफ फाइव दूसरा ऑप्शन है यहां पर फ्रॉम करंट स्लाइड मतलब जिस स्लाइड पर आपका कर्जर है उस स्लाइड से प्रेजेंटेशन को रन करना है तो सिफ्ट प्लस एफ फाइव दोनों ही ऑप्शन स्लाइड शो टैप के अंतर्गत प्राप्त होते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी वर्जन फोर में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है आईपी वर्जन फोर में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है प्रीवियस वीडियो में हमने आईपी से संबंधित कई प्रकार की इंफॉर्मेशन को समझा था क्योंकि आईपी सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक टॉपिक है। आपको आईपी से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन जरूर याद करने हैं क्योंकि आईपी से संबंधित एक दो क्वेश्चन सीपीसीटी के पेपर में जरूर पूछे जाते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है आईपी का फॉर्म क्या होता है आईपी का फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस क्या होता है आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है मतलब किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचानने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है आईपी एड्रेस की पांच क्लास होती हैं। आईपी एड्रेस की पांच क्लास होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं? तो आईपी एड्रेस की पांच क्लास होती हैं, जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई e तक होती हैं। आईपी एड्रेस की पांच क्लास होती हैं, क्लास ए से लेकर क्लास ई e तक आईपी प्रोटोकॉल के दो वर्जन होते हैं आईपी प्रोटोकॉल के दो वर्जन होते हैं एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन फोर एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स आईपी प्रोटोकॉल 4 आईपी प्रोटोकॉल 6 यहां पर हमसे पूछा गया है आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स 32 बिट जबकि आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट तो आपको यहां पर पांच छह क्वेश्चन तैयार करने मिले इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज 32 बिट्स होती है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है अब सीपीसटी के पेपर में दो तीन क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम के जरूर होते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है हमने ऑलरेडी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के वीडियोस बना दिए हैं हमारे चैनल पर ऑलरेडी नंबर सिस्टम के वीडियोस को अपलोड किया जा चुका है आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से नंबर सिस्टम को सॉल्व करना भी सीख सकते हैं आने वाले वीडियोस में भी हम नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना सीखेंगे अभी हमसे क्या पूछा गया है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में चार प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कंप्यूटर सिस्टम में चार प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार के तो के प्रकार के 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 नंबर नंबर सिस्टम सिस्टम यूज यूज किए किए जाते जाते हैं हैं तो कंप्यूटर अंदर चार पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी जिसका बेस होता है टू दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑक्टल जिसका बेस होता है एट तीसरा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है टेन और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है सिक्सटीन तो कंप्यूटर सिस्टम में चार प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं पहला बाइनरी जिसका बेस होता है टू दूसरा ऑक्टल जिसका बेस होता है एट तीसरा डेसिमल जिसका बेस होता है टेन और चौथा हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है सिक्सटीन तो हमसे पूछा गया था बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो कि होता है टू तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है टू देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटर स्क्रीन की साइज को किस प्रकार मेजर किया जाता है जो मॉनिटर स्क्रीन की साइज होती है उसको किस प्रकार नापा जाता है मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है हमसे पूछा गया है मॉनिटर की साइज को किस प्रकार नापा जाता है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, डायगोनली या लाइन वाइज तो मॉनिटर स्क्रीन की जो साइज होती है उसको हमेशा डायगोनली नापा जाता है डायगोनली मतलब विकर्ण में जो मॉनिटर स्क्रीन होता है उसे विकर्ण में नापा जाता है डायगोनली तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर स्क्रीन की जो साइज होती है उसे डायगोनली मतलब कि विकर्ण में नापा जाता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है और मॉनिटर स्क्रीन की साइज को डायगोनली मेजर किया जाता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एस टैग पर इनलाइन सीएसएस करने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है किसी एस टैग पर इनलाइन सीएसएस अप्लाई करने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है एसटीएमएल जिसका फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एस के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं और उस वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आकर्षित बनाने के लिए उस पर सीएसएस अप्लाई की जाती है सीएसएस का फुल फॉर्म होता है स्टाइल स्टाइल तो HTML से बनता है वेब वेब पेज पेज उस बेपेज को आकर्षित कौन बना देता है सीएसएस सी एस एस मतलब कास्केडिंग स्टाइल सीट सी एस एस को एस टी एम एल पर तीन तरीके से अप्लाई किया जा सकता है इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल जो सी एस एस होती है उसको एस टी एम एल पर तीन तरीके से अप्लाई किया जाता है इनलाइन सी एस एस के रूप में इंटरनल सी एस एस के रूप में और एक्सटर्नल सी एस एस के रूप में हमसे पूछा गया है यदि हमें एस टी एम एल पर इनलाइन सी एस एस अप्लाई करनी है तो हम किस एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे हमें जिस एस टी एम एल पर इनलाइन सी एस एस अप्लाई करनी होती है उस एस टैग में हमें स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना होता है स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर एग्जाम्पल हमारा एक टैग है एच वन टैग एस टी एम एल का यह एक टैग है हेडिंग टैग होता है एच वन इस पर यदि हमें इनलाइन सी एस एस लगानी है तो हम एच वन टैग के साथ लगाएंगे स्टाइल एट्रीब्यूट को स्टाइल और यहां पर हम सी एस एस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो हमें जिस html टैग पर इनलाइन css लगानी होती है उस टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनलाइन css को अप्लाई करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा प्रोग्रामिंग में जेडके का फुल फॉर्म क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग में JDK के का फॉर्म क्या होता है जावा जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज है और जावा को जेम्स गौसलिंग के द्वारा बनाया गया है जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे जेम्स गौसलिंग के द्वारा बनाया गया है यदि हमें जावा का प्रोग्राम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर रन करना है तो हमें जेडीके को इंस्टॉल करना होता है जेडीके को जावा का प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम पर रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है जिसे कहा जाता है जेडीके और जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट जावा डेवलपमेंट किट तो जावा का प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम पर रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है जिसे कहा जाता है जेडीके और जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है यह क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन से संबंधित है और यह एक इंपोर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि सभी प्रकार के एग्जाम में कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं यहां पर हम एक साथ पांच छह क्वेश्चन को तैयार करने वाले हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशन है तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल पांच जनरेशन है जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक है कंप्यूटर सिस्टम की टोटल पांच जनरेशन है जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक है आपको हर जनरेशन की टेक्नोलॉजी जरूर याद करनी है क्योंकि पेपर में जनरेशन की टेक्नोलॉजी पूछी जाती है जैसे यहां हमसे पूछी गई है फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता वैक्यूम ट्यूब का वैक्यूम ट्यूब जिसे बॉल्ब भी कहा जाता है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में आईसी का यूज किया जाता है आईसी आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रोप्रोसेसर का यूज किया जाने लगा माइक्रोप्रोसेसर का जो कि वी एल एस आई टेक्निक पर वर्क करते हैं वी एल एस आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, यहां से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा लेकिन यह माइक्रो प्रोसेसर बी एल एस आई टेक्निक पर वर्क करते हैं और फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, उसमें यूएलएसआई का यूज किया जाता है यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और यह कंप्यूटर ए आई पर आधारित होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल पांच जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया जाता है फोर्थ जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा जो कि बी पर वर्क करता है और फिफ्थ जनरेशन में ई का यूज किया जाता है जो कि ए आई पर आधारित होते हैं हमसे पूछा गया था फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी के लिए जो कि होती है बी एल एस आई तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में वी एल एस आई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है पहले आपको यह समझना होगा कि टोपोलॉजी क्या होती है टोपोलॉजी यह कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। जब एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं उन सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है मतलब नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट टोपोलॉजी होता है टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं। बस टोपोलॉजी, 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 स्टार रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी हमसे पूछा गया है ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है वह होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है यह दो या दो से अधिक नेटवर्क या दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है इसे कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी होती हैं या दो या दो से अधिक नेटवर्क होते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिड टोपोलॉजी दो या दो से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है के होते वर्ड दो हजार 2016 में टेक्स्ट अलाइनमेंट्स कितने प्रकार वीडियो में भी क्या होता है एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है तो एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, MS Word के होते हैं? है? MS Word है? तो एमएस है वर्ड के, तो के अंदर चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं चार प्रकार के लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट जस्टिफाइड अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट को शॉर्टकट की से यूज करना है तो कंट्रोल प्लस एल राइट अलाइनमेंट को शॉर्टकट की से यूज करना तो कंट्रोल प्लस आर सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई e, और जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस जे तो कंप्यूटर सिस्टम में जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होता है उसमें चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए और कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाइड अलाइनमेंट के लिए और एम एस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट सभी प्रकार के अलाइनमेंट होम टैब में पैराग्राफ सेक्शन में प्राप्त होते हैं जो भी अलाइनमेंट है वह सभी होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ सेक्शन में प्राप्त होते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम एस वर्ड में चार प्रकार के अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं इनको हम एम एस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं यह एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है यहां पर आपको होम टैप के अंतर्गत पैराग्राफ सेक्शन में चार प्रकार के अलाइनमेंट दिए जाते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट जो कि डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है दूसरा है यहां पर सेंटर अलाइनमेंट तीसरा है हमारा राइट अलाइनमेंट और लास्ट है जस्टिफाई अलाइनमेंट चारों अलाइनमेंट पैराग्राफ सेक्शन में होम टैप के अंतर्गत प्राप्त होते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वह विंडोज के साथ ही प्री इंस्टॉल होता है जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है तो उसके साथ डॉस भी इंस्टॉल हो जाता है जिसे कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से भी जाना जाता है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने उसको इंस्टॉल करने पर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल हो जाता है जिसे कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है जिस पर प्रत्येक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कमांड का यूज किया जाता है तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है तो विंडोज को और डॉस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है विंडोज को भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट क्या होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग क्या होता है हमसे पूछा गया है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट या मेन पार्ट या मुख्य भाग क्या होता है लाइनेक्स क्या है लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है और लाइनेक्स को लीनस टोर वर्ल्ड के द्वारा बनाया गया है हमसे पूछा गया है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट क्या होता है मुख्य भाग तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है करनेल कर जिसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट भी कहा जाता है कर्नेल क्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन भाग होता है मेन पार्ट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी कंट्रोलिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो भी जो भी भी प्रोसेसिंग होती होती है 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 कंट्रोलिंग वह कर्नेल के द्वारा की जाती है. तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट या मेन पार्ट या मुख्य भाग या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कर्नेल होता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है क्या होगा यहां पर हमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है और हमें इसकी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू बतानी है क्या होगी पेपर में जर्नली फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसकी हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू बतानी है क्या होगी यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है पेपर में इस प्रकार के भी एक क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है आपको आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया है बाइनरी नंबर हमने कैसे पहचाना इसके बेस से टू से और बाइनरी में केवल दो ही अंक होते हैं जीरो और वन तो यह जो बाइनरी नंबर दिया गया है इसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान है देखिए कैसे निकालते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है इसको आप सेम लिखें one, zero, one, zero, one. यह हमें क्वेश्चन में नंबर दिया गया है अब आपको जहां जहां पर बन दिया गया है उसको आप जीरो से बदल दीजिए और जहां जहां पर जीरो दिया गया है उसको बन से बदल दीजिए आपका आंसर आ जाएगा तो यहां पर वन है वन को हम किससे बदलेंगे जीरो से यहां पर जीरो है तो किससे बदलेंगे बन से यहां पर बन है तो किससे बदलेंगे जीरो से यहां जीरो है तो किससे बदलेंगे बन से यहां बन है तो किससे बदल देंगे जीरो से यह हमारा आंसर आ गया अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है सीपीसीटी के कि आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया है उसका आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो आपको जब भी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप वन को जीरो से बदल दीजिए और जीरो को वन से बदल दीजिए यह हमारा आंसर है मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया था उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होगा जीरो वन जीरो वन जीरो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम में कमेंट ऐड करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है पायथन प्रोग्राम में कमेंट ऐड करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है यह क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से पूछा गया है पायथन जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है एक फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पायथन के द्वारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर गेम बनाए जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गाइडोबैन रोसम के द्वारा बनाया गया था गाइडो बैन रोसम जिन्होंने उन्नीस में पाइथन प्रोग्रामिंग का पहला वर्जन रिलीज किया गया था पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइडो बैन रोसम के द्वारा इसे बनाया गया है और इसका पहला वर्जन उन्नीस में रिलीज किया गया था हमसे पूछा जा रहा है पाइथन प्रोग्राम में कमेंट ऐड करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है जब पाइथन का कोई प्रोग्राम बनता है तो उसमें हम कमेंट दे सकते हैं कमेंट क्या होती है प्रोग्राम को समझाने के लिए प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट लगाए जाते हैं प्रोग्राम में जो लाइन लिखी जाती है कोडिंग की जाती है हर लाइन को समझाने के लिए कमेंट ऐड किए जाते हैं कमेंट प्रोग्राम के आउटपुट में शो so नहीं होते हैं यह है केवल प्रोग्राम में प्रोग्राम की लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए ऐड किए जाते हैं और जब पाइथन में कोई प्रोग्राम बनता है तो कमेंट ऐड करने के लिए हैज सिंबल का यूज किया जाता हैज पायथन में ऐसे पाउंड साइन भी कहा जाता है पाउंड पायथन में यदि हमें कमेंट ऐड करना है तो हैस का यूज किया जाता है और इसे पाउंड साइन भी कहा जाता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सएल में एक्टिव सेल का एड्रेस ब्लैंक में सो so होता है एमएस एक्सएल में एक्टिव सेल का एड्रेस ब्लैंक में सो so होता है एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है जो में फाइल बनती है उसे बर्क बुक कहा जाता है बर्क बुक और एक्सेल का जो पेज होता है उसे बर्कशीट कहा जाता है एक बर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है एक बर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट हो जाता है एक्सेल में जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है या एक रो और कॉलम मिल जाता है तो एक सेल क्रिएट हो जाता है जब हम कोई भी डेटा टाइप करते हैं एक्सेल में तो वह सेल में टाइप होता है सेल में ही हम डेटा को टाइप करते हैं एक्सेल में हमसे पूछा गया है एक्टिव सेल का एड्रेस कहां से होता है जो भी सेल होते हैं हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है जिसे कहा जाता है सेल एड्रेस एक्टिव सेल कौन सा कहलाता है जो सेल अभी सिलेक्ट है जिस सेल पे हमारा कर्जर है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल और एक्टिव सेल का एड्रेस जो हो होता है नेमबॉक्स में एक्सल में जिस सेल पे आपका कर्जर है जो सेल आपने अभी सेलेक्ट किया है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल और एक्टिव सेल का एड्रेस सो होता है नेम बॉक्स में तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्सल में एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सेल पर यह हमारा एम एस सॉफ्टवेयर है आप देख सकते एक वर्कशीट में बहुत सारे कॉलम होते हैं और मल्टीपल रो होती हैं। जब एक रोवर कॉलम मिलता है तो एक सेल बनता है जिस सेल पर अभी हमारा कर्जर है उस सेल को कहा जाता है एक्टिव सेल या करंट सेल जो सेल हमारा सेलेक्ट है इसे ही कहा जाता है एक्टिव सेल एक्टिव सेल का मतलब क्या है अभी हम जो भी टाइप करेंगे वह इसी सेल पर होगा एक्टिव सेल और एक्टिव सेल का एड्रेस हमें दिखाया जाता है नेम बॉक्स में नेम बॉक्स में नेम बॉक्स के अंदर एक्टिव सेल का एड्रेस सो होता है सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है उसके बाद रो का नंबर आता है सेल एड्रेस कहाँ शो होता है करंट सेल का नेम बॉक्स में नेम बॉक्स के द्वारा हम करंट सेल के एड्रेस को देख सकते हैं साथ ही साथ यहां पर हम जो भी सेल एड्रेस देंगे उस सेल एड्रेस पर हम डायरेक्ट नेविगेट भी कर सकते हैं जा सकते हैं जैसे हमने लिखा F10 टेन और एंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारा कर्जर कहां आ गया F10 टेन सेल पर तो नेम बॉक्स हमें करंट सेल का एड्रेस शो करता है एक्टिव सेल का साथ ही साथ एक सेल से दूसरे सेल पर जाने की सुविधा प्रदान करता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट करती है निम्न में से कौन सी डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट करती है हार्ड कॉपी आउटपुट कौन सा होता है जो पेपर पर प्रिंट होता है और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन सा होता है जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर शो किया जाता है तो यदि आपके पास कोई हार्ड कॉपी आउटपुट है और आप उसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में बदलना चाहते हैं तो आप कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपकी मार्कशीट है वह हार्ड कॉपी आउटपुट है आपको उसको मॉनिटर स्क्रीन पर शो करना है सॉफ्ट कॉपी में तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा स्कैन करना पड़ेगा मतलब स्कैनर की आवश्यकता होगी प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट देता है मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा गेम खेले जाते हैं गेम प्ले किए जाते हैं लेकिन स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देती है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्कैनर के द्वारा हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया जाता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है यह क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से पूछा गया है क्लाउड क्या होता है क्लाउड का मतलब है यहां पर इंटरनेट से नेटवर्क से आप करंट टाइम पर इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विसेज यूज करते हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस होती हैं क्लाउड में आप अपना डेटा अपलोड करते हैं डाउनलोड करते हैं इंटरनेट के माध्यम से आप जो भी सर्विस यूज करते हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस होती है क्लाउड इंटरनेट के माध्यम से यूजर को सर्विस प्रदान करता है मल्टीपल कंपनी क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। उन्हें कहा जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनियां क्लाउड की सर्विस देती हैं वह कहलाती हैं क्लाउड प्रोवाइडर हमसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट अजूर या माइक्रोसॉफ्ट अजूरे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा अजूर नाम से या अजूरे नाम से क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया गया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट अजूर और एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है एमेजॉन कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है एमेजॉन कंपनी का है एडब्ल्यू एस एमेजॉन वेब क्वेश्चन तैयार करे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट अजूर देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है जब आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं उस टेक्स्ट की आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं तो आपसे पूछा गया है कि अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है यहां पर आपको पांच छह क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे फॉन्ट साइज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं पहला क्वेश्चन मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज हो सकती है सोलह सो अड़तीस वन सिक्स थ्री एट एम एस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है सोलह सो अड़तीस आपसे पूछा जा सकता है मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती तो मिनिमम हो सकती है बन. MS Word के अंदर मैक्सिमम साइज हो सोलह सो अड़तीस और मिनिमम हो सकती है बन लेकिन जो आपको फॉन्ट साइज की लिस्ट दी जाती है एम एस वर्ड में फॉन्ट साइज की लिस्ट दी जाती है एक ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट उसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है सेवेंटी टू और मिनिमम होती है एट यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कितनी कि होती है तो हो सोलह वर्ड में फॉन्ट साइज कितनी होती है तो बाय होगी सेवेंटी इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यदि मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितनी होती है तो वह होगी वन लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एमएस वर्ड के अंदर मिनिमम फोन साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में कितनी होती है तो वह होगी एट यहां पर आपको चार क्वेश्चन और तैयार करने मिलेंगे साइज को चेंज करने की की शॉर्टकट हम एमएस वर्ड पर इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं चलते हैं एमएस वर्ड पर यहां पर एमएस वर्ड में हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है यह हमारा सैंपल टेक्स्ट है इस टेक्स्ट की फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है एम एस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मतलब जब आप टाइपिंग करेंगे तो अपने आप फॉन्ट साइज कितनी होगी वह होती है इलेवन पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है आप एमएस वर्ड में ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट से या ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट है मैक्सिमम कितनी फॉन्ट साइज यूज कर सकते हैं यहां पर मैक्सिमम कितनी आती है सेवन टू ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है सेवनटी टू और मिनिमम कितनी होती है यहां पर एट तो अभी हमने तीन क्वेश्चन तैयार करे एम एस बर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है इलेवन डाउन लिस्ट के अंदर यह ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है सेवनटी टू मिनिमम कितनी हो सकती है एट लेकिन हमने तो पढ़ा है कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज हो सकती है सोलह सो अड़तीस अब यदि आपको वह फॉन्ट साइज यूज करनी है तो आपको शॉर्टकट की से की से की से फॉन्ट फॉन्ट साइज साइज बढ़ानी होगी शॉर्टकट शॉर्टकट की की हमने को बढ़ाया तो आप देख सकते हैं अब हमारी फॉन्ट साइज 1638 तक बढ़ सकती है यह हम शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को बढ़ा रहे हैं और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है वन सिक्स थ्री एट सोलह सो अड़तीस इससे ज्यादा एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज नहीं हो सकती यह लेकिन हमने शॉर्टकट की से चेंज करी है इसी प्रकार से मिनिमम करना है शॉर्टकट की से तो आप बन तक कर सकते हैं बन तक जबकि ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट में कितनी होती है एट होती है शॉर्टकट की से यदि आपको फोन साइज को बढ़ाना है तो आप सोलह सो तक बढ़ा सकते हैं और घटाना है तो बन तक घटा सकते हैं तो यह हो यह होती है मैक्सिमम फोन साइज और मिनिमम फोन साइज अब हमने किस शॉर्टकट की से यह फोन साइज चेंज करी वह शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज बढ़ती है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज घटती है हमने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन को प्रेस किया आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज यहां पर बढ़ रही है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फोन साइज घट जाती है आपको यहां पर दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है एम एस वर्ड में फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से इंक्रीज करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाना सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को घटाना तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट को यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट को कंट्रोल के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इससे हम फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से बढ़ा सकते हैं और सिंगल पॉइंट से घटा सकते हैं हमने पैराग्राफ को किया और हमने कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट प्रेस किया आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज सिंगल सिंगल पॉइंट बढ़ रही है और यदि हम ओपन वाला ब्रैकेट प्रेस करें कंट्रोल के साथ तो फॉन्ट साइज सिंगल सिंगल पॉइंट घट रही है तो यहां पर हमने एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज से संबंधित करीब छह सात क्वेश्चन को एक साथ तैयार किया हमारा जो क्वेश्चन था वह था मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या हो सकती है वह होगी so तो इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप टास्क बार ब्लैंक में शो so होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट टास्क बार कहां शो होता है आपको बताना है टास्क बार क्या होता है टास्क बार आपके कंप्यूटर पर रन होने वाले करंट टास्क की इंफॉर्मेशन को शो करता है जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई फोल्डर कोई फाइल कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसकी जानकारी आपको टास्क बार पर शो की जाती है और टास्क बार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट बॉटम में होता है नीचे होता है आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं अप ले जा सकते हैं मतलब टॉप पर लेफ्ट में ले जा सकते हैं राइट में ले जा सकते हैं लेकिन ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट टास्क बार कहां से होता है विंडोज में बॉटम में क्या होता है टास्क बार यह जो हमें बॉटम साइड पर एक बॉर्डर शो की जाती है इसे कहा जाता है टास्क बार टास्क बार बाय डिफॉल्ट बॉटम में शो होता है और हम इसकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी फाइल हमारे कंप्यूटर पर ओपन होती है उसकी जानकारी टास्क बार पर शो की जाती है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है बिंग सर्च इंजन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है बिंग सर्च इंजन पहले आपको यह पता होना चाहिए सर्च इंजन क्या होता है सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट पर डेटा को सर्च करने की सुविधा देते हैं वेब ब्राउजर अलग होता है सर्च इंजन अलग होता है ओपन है, करते हैं सर्च इंजन, क्या होता है? सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो वेब ब्राउजर के अंदर ओपन की जाती हैं और सर्च इंजन किसी टॉपिक के आधार पर इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं जैसे कि गूगल डॉट कॉम याहू बिंग विकीपीडिया यह सभी क्या होते हैं सर्च इंजन होते हैं जो इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं हमसे पूछा गया है बिंग सर्च इंजन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया तो बिंग सर्च इंजन को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बिंग सर्च इंजन को बनाया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिंग सर्च इंजन को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है तो आज की वीडियो में हमने सीपीसी एग्जाम के लिए साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित ट्वेंटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझा है आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें यदि आपका कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद